दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका वायरस के आगे पस्त होता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को सबसे अधिक 1480 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले अमेरिका में 24 घंटे में 1169 लोगों की जाने जा चुकी हैं। वायरस के चलते अमेरिका में तकरीबन 3.25 लाख लोग संक्रमित हैं। यह आंकड़ा अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक है। इसके अलावा अब तक 7406 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं अन्य देशों की बात करें तो वायरस से संक्रमण के मामले में जर्मनी ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार तक जर्मनी में संक्रमण के मामले 79,451 हो गए। वहीं चीन में अब तक कुल 81,620 मामले सामने आए हैं। मौतों के मामलों में दुनिया भर में इटली और स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। दुनिया में वायरस ने तेजी से पैर। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अब तक 10 लाख से अधिक वायरस के मरीज दुनिया भर में मिल चुके हैं। वहीं महज 93 दिनों में यह आंकड़ा पार हुआ है। आंकड़ों को देखें तो इसके प्रसार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसने कई देशों को तो तबाह के कगार पर खड़ा कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पर और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी संकट पैदा हो गया है। भारत में वायरस के नए मामले बढ़कर 2547 हो गए हैं, जबकि इस वायरस की वजह से अब तक 62 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 2547 मामलों में 2322 कोरोना से संक्रमित केस सामने आए हैं। 162 ऐसे मरीज हैं जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली स्थित निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने वाले में से अब तक कुल 647 लोगों में वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ये लोग 14 राज्यों के हैं। सिटी होम न्यूज़ के लिए डेस्क रिपोर्ट्स।